बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन सिद्दीकी, वेलकम टू मैक्रो आर्ट प्रोडक्शंस। आज है अडोबी फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लिप मास्क। सो गाइस, विदाउट एनी डिले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहां मैंने एक ब्लैंक इमेज ओपन की हुई है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लिप मास्क होता क्या है। जिस तरह मैंने मास्किंग के लेक्चर में बताया था कि मास्क क्या होता है, मास्क के नाम से ही जाहिर होता है किसी चीज को कवर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी थी, कोविड आजकल चल रहा है तो हम लोग फेस पे मास्क लगाते हैं, वो मास्क क्या करता है, हमारे फेस को हाइड कर देता है। इसी तरह जो सिस्टम में मास्क होता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर में मास्क आता है एडोब फोटोशॉप में, वो हमारी लेयर को हाइड कर देता है या उसका पर्टिकुलर एरिया जो हम शो करवाना चाहते हैं वो उसे शो करवाता है। तो अब हम देखते हैं कि क्लिप मास्क क्या करता है। क्लिप मास्क के लिए यहाँ पे सबसे पहले कोई शेप बना लेते हैं, एक वेक्टर शेप बना लें, ठीक है। और अब इसके अंदर कोई इमेज इंसर्ट करते हैं हम। यहाँ मेरे पास एक इमेज है, ये हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ मेरी ये जो इमेज है, जो मैंने सर्कल बनाया है ना, जो शेप बनाई है, उसके अंदर आए, उससे बाहर ना जाए। तो जिस तरह हमने पहले मास्किंग में करके देखा था कि मास्क बना लेता है और वो काम थोड़ा सा टफ होता है, मास्किंग और बहुत से कामों में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम इस काम के लिए क्लिप मास्क यूज करेंगे। जिस चीज को हमने क्लिप करना है उस इमेज को हमने ऊपर रखना है और जिस शेप के अंदर क्लिप करना है या जिस चीज के अंदर क्लिप करना है वो हमने लेयर नीचे रखनी है। और देखिए, इन लेयर्स के सेंटर में आपने अपना आइकन लेके आना है और ऑल्ट प्रेस करना है। तो ये देखें, आपको एक आइकन चेंज हो जाता है, यानी कि वो एरो का एक साइन दे रहा है कि जी ये दोनों लेयर्स मर्ज कर रहा है। ये देखें, जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया ऑल्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर्स के सेंटर में, तो उसने हमारी इमेज को इस सर्कल के अराउंड दे दिया। अब इस सर्कल का जो हमने बनाया था स्ट्रोक, ठीक है, तो हम उस स्ट्रोक को खत्म करते हैं और इसको फिल कर लेते हैं। किसी भी कलर से आप फिल कर लें, वो देखें जी, वो आपकी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम इमेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। उस सर्कल के अंदर ही इमेज हमारी मूव होगी, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं हम, छोटा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू आवर डिजायर, ठीक है, लाइक दिस। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, चूंकि अब फ्लावर्स की ही इमेज ओपन हो चुकी है तो इसी के साथ एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने नीचे वाली लेयर अपनी जो शेप की लेयर थी वो डिलीट की, हमारी लेयर इंडिविजुअल हो गई, यानी कि सिंगल हो गई। अब इस लेयर को भी हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, कुछ फ्लावर ही लिख लेते हैं जी, FLOWER, फ्लावर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं फ्लावर का, लाइक दिस। और शिफ्ट प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, इट्स ओके। अच्छा जी, बैकग्राउंड का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ग्रे रख लें या कोई और कलर आप रखना चाहते हैं, ठीक है। चूंकि हमारे टेक्स्ट का कलर भी ग्रे था तो इस वजह से उसने हमारा जो जितना भी बैकग्राउंड का कलर भी ग्रे कर दिया, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम अपने टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं वाइट, लें जी हमारा टेक्स्ट अब हमें नजर आ रहा है। अब हम चाहते हैं ये जो फ्लावर हमने लिखा है इसके हर अल्फाबेट में एक फ्लावर आए, तो वो हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले इमेज इंपोर्ट करेंगे हम, कोई सी भी जो हमने इमेज दिखानी है, यही वाली इमेज कर लेते हैं सबसे पहले हम। अब ये इमेज मैंने यहाँ रखी है और मैं इस फ्लावर के अंदर इस इमेज को शो करवाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं ऑल प्रेस करके इन दोनों लेयर्स के सेंटर में अपना कर्सर लेके आऊंगा तो वो हमें एक आइकन दे देगा मर्ज लेयर्स का, यानी कि ये आइकन है क्लिप मास्क का। अब देखिए जी, हमारी जो इमेज थी इसके अंदर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज सिर्फ फ्लावर के अंदर ही आए, यानी कि फ्लावर का जो एफ है उसके अंदर शो हो, उससे बाहर ना आए। तो हम सिंपल इसको पहले प्लेस कर देंगे, उसके बाद इरेजर लेंगे और इसको इरेज कर देंगे। चूंकि ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में था तो हमें वार्निंग दे रहा है कि आप इसको रास्टर में चेंज करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जी हाँ हम इसको रास्टर में चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब बाकी जो हमारे पास फ्लावर है ना, मैं चाहता हूँ इनमें भी इसी तरह फ्लावर्स हमारे पास आ जाएं। तो अब मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। अब देखिए, ये जो हमारी इमेज है ये एप के ऊपर भी आ गई है, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो फ्लावर ही है,
हमने उसके अंदर ही अपनी इमेज रखनी है, उसके अंदर ही हमने इसको भी क्लिक किया तो ये इमेज ऊपर है, तो हम इसको ऊपर ले आएंगे तो हमारा फ्लावर यहाँ पे एल नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर से हम इरेजर लेते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं अपनी इस वाली इमेज। सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट डन। तो ये था हमारा क्लिप मास्क है, हमने हर अल्फाबेट में अपनी एक अलग इमेज लगाई है और इन इमेजेस को हम मूव भी कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए जी यहाँ से मैंने कुछ रेज किया था इसलिए वो जब हम आगे लेके आएंगे तो दूसरी इमेज में भी आ जाएगी, क्योंकि हमने पूरे फ्लावर यानी कि जितने भी अल्फाबेट हैं उन सब में इसको एक लेयर पे हमने क्लिक किया था। और इसी तरह हम इनको डिफरेंट लेयर्स पर हम एक लेयर के ऊपर बहुत सारे भी क्लिपिंग कर सकते हैं और अलग अलग भी हम हर लेयर के ऊपर डिफरेंट क्लिप्स भी कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का लेक्चर नंबर 15 क्लिपिंग मास्क। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दें यार, शेयर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़।